गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो दोस्तों हम दोनों रेडी हो गए हैं और आज स्पर्श का एक शूट है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो फिर बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। A few moments later. हाँ गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सेट पे और हमारे कुछ पुराने मित्र हैं, वो मिल गए हैं। तो ये हैं हमारे सौरभ भाई, इनसे मिलिए। हेलो। और आप हैं? अशोक। अशोक जी, चेतन। चेतन के साथ हमने कई स्टोरीज की हुई हैं क्राइम पेट्रोल की, है ना। और ये दाऊद भाई, और हमारे पीछे हैं क्राइम पेट्रोल के स्टार। नमस्कार, किशन भान। और ये इसको तो पहचानते ही होंगे, स्पर्श। उभरता सितारा स्पर्श। टैलेंट पहले सब यहाँ सारे टैलेंटेड ही है। जो बॉम्बे शहर आता है वो टैलेंटेड ही होता है, उसमें से एक आध परसेंट है जो चुटिए होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी 90% लोग टैलेंटेड ही है, सिर्फ यहाँ लुक और लक चलता और कुछ नहीं चलता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? किशन बाबा की बात कभी गलती नहीं। वाह, नचिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको सिंपल है यार, सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। 1960 में एनएसडी शुरू हुआ, आज कितने साल हो गए? 62 साल में आप 62 लोग भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, एनएसडी के स्टार है। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी कहाँ गए? वो सारे टैलेंटेड है। एनएसडी में एडमिशन मिलता ही नहीं है, जब तक आप टैलेंटेड नहीं होते हैं तभी एडमिशन मिलेगा। हजारों लोग वहाँ एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन उन्हीं को एडमिशन मिलता है जिन्होंने अपने गाँव में शहर में कुछ खास किया होता है, उसको एडमिशन मिलता है। फिर 3 साल दिन रात उनको एक्टिंग सिखाई जाती है, वही माहौल में रखा, उसी माहौल में रखकर वो क्या एक्टर बनते होंगे। कितने लोग निकलते हैं? अभी जैसे आप नवाज भाई की बात कर रहे थे, आपने बोला ना कि वो कह रहे थे कि तो स्पॉट वाला इतनी शक्लें खराब है हमारी कि वो वही नहीं खाते नहीं है स्पॉट वाले। तो मैं यही मानता हूँ, आपका लुक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी जाते हो, आप मुकेश छावड़ा या किसी के, पहले आपका एक्टिंग नहीं देखते हो, पहले आपका होता है इंट्रो देता, बस एक आदिवासी चाहिए तो शायद मुझे और इसको बुलाएंगे ऐसे, और जो बेस्ट आदिवासी हमसे भी जो चिपका हो उसको मिलेगा। बेसिकली वो लोग लुक पे काम नहीं करते हैं, पहले लुक एंड देन। आप कहीं भी जाते हो तो आपको सर आज आप उसने आपका टैलेंट कहा देगा? नहीं नहीं सर, आप फिट नहीं हो, बेसिकली वो लुक में फिट हो रहे हैं, आप उस कैरेक्टर में फिट होना चाहिए। वो आदिवासी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो कोई भी हो, उस कैरेक्टर में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं एक गुलशन बाड़ी को और जानते हो, उसको यशराज से बोला है, बोलता है कि मुझे गुलशन बाड़ी को बोला यार यशराज से पढ़ा है, चलो साथ में चलता है। कोई 5 बजे हम लोग ऑफिस शांता हाउस गए, जैसे हमने दरवाजा खोला, शालू शर्मा जो यशराज की बड़ी क्लासमेट है खड़ी थी, वो अरे सर सर आइए आइए मैं आपको ही वेट कर, मुझे जाना है गुलशन बाड़ी को। बोले मुझे देख रही हूँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके 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 आपने हमारे साथ काम किया क्या? बालिका बालिका उदी में आते हैं आजकल, आप गहना के फादर बने हैं। आपके मैंने सारे एपिसोड देखे, मैंने चलो मेरा काम आसान हो गया, आपने मेरा काम क्या कर दिया सर, सारा काम। सही बात, आज हमारा जो कास्टिंग पुलिस की हो रही है, उस पुलिस में आप कहीं फिट नहीं करते। राकेश जी, राकेश मैम। अच्छा अच्छा सर, आपका ना आपके साथ पहला सीन है, 18 नंबर सीन, 18 नंबर ना जी। कौन है ये लोग?
उसका कहना था एक्टिंग सर हमारा बेटर कर लेता है, मेरी पैंट बहुत छोटा है, आप मेरे उस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, वॉचमैन का बोलिए टैलेंट और सब है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो गई ये चाय वाय भी आ गई है और ये स्पॉट दादा है ये लेके आए, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज भाई, पंकज, पंकज दादा लेके आए चाय हमारे लिए और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। चीयर्स। ये हमारा रखा है। चीयर्स। कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैं कहूंगा अभी। अच्छा लेकिन ऑफ कैमरा कहेंगे। गाइस तो हम लोग शूट कर रहे हैं अभी नालंदा में और चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ऐसे तो नहीं होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक है ना, ये माइक लगा लो। अब फोन कर रहे हैं। चलो रेडी। कैमरा ये वाला नहीं, ऊपर वाला। 25 नहीं 25। बोलने का दरवाजा ला ठीक करूं। नॉक करना है। नहीं। बैटरी चेंज कर लेना है ना। 45 थी। नीचे जाएगा ना? खोलो खोलो शॉर्ट चेक करो। ओके नीचे सब बस बेटा बहुत बड़ी मन।
चॉकलेट है कि नहीं? तो चॉकलेट चाहिए ना? नहीं चॉकलेट? अरे बेटा नहीं चॉकलेट है मेरे पास, तो नहीं चॉकलेट चाहिए ना? हाँ चाहिए ना, चाहिए ना चॉकलेट? तो गाइज अभी मैं और स्पर्श से हम लोग आ गए हैं घर पे, अभी 9 बजे जाके पैकअप हुआ, लेकिन हम फटाफट से घर पे आ गए, एकदम भर्र से गाड़ी स्टार्ट की और 5 मिनट के अंदर अपने घर पे, क्योंकि ये लोकेशन सबसे नज़दीक था, इससे ज़्यादा नज़दीक लोकेशन शूट का और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शूटिंग हमारे घर के बगल में ही थी, है ना? नाइस। तो फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।